इंडेक्सिंग को समझने के लिए आपको दो चीज़ों का ख्याल रखना होता है पहली चीज़ मैथ की काउंटिंग कहां से स्टार्ट होती है मैथ की काउंटिंग स्टार्ट होती है जीरो से वन से नहीं होती ठीक है अब मैं मिसाल आपको देता हूं इसका मतलब यह हुआ कि अगर ज़ीरो से स्टार्ट होते तो क्लास में जो बच्चे फर्स्ट सेकेंड थर्ड आ रहे हैं उनको तो ज़ीरो वन टू नहीं कहना चाहिए फिर ऐसे नहीं है फिर दूसरी तरफ चले जाते हैं देर आर फ्यू थिंग्स जिनको आप जीरो से स्टार्ट ही नहीं कर सकते मिसाल के तौर पर आपके घर में कितने बच्चे हैं जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते ना वरना तो रफड़ पड़ा रहना है एक और बात किसी कंट्री के अंदर ग्राउंड फ्लोर को जीरो फ्लोर बोला जाता है और फर्स्ट फ्लोर को फर्स्ट फ्लोर बोला जाता है किसी कहीं पे ज़ीरो जो है वो यूज़ नहीं किया जाता ग्राउंड फ्लोर को वन फ्लोर बोला जाता है और दूसरे को सेकंड बोला जाता है यूएस और यूरोप की बात कर रहा हूं सो so इस दुविधा में लोग पड़े रहते हैं इस परेशानी में लोग पड़े रहते हैं इसी तरह के चैलेंजेस में लोग पड़े रहते हैं पाइथन एक समझदार लैंग्वेज है मैथमेटिशियन है आप यही समझ लें और ये ज़ीरो से स्टार्ट करता है हमेशा गिनती ज़ीरो से स्टार्ट होनी है दस बच्चों की लाइन लगी है पहले बच्चे को आप वन नहीं गएंगे आप कहेंगे जीरो वाला इधर आ जाए दूसरे बच्चे को आप बोलेंगे वन वाला आ जाए तीसरे बच्चे को बोलेंगे टू वाला आ जाए इन डेक्स पोजिशन एट टू यू विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो अब मेरी बात सुनिएगा जीरो से आप आगे से स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन अगर आपने असेंबली की लाइन से एंड वाला बच्चा बुलाना है ना यू कैन नॉट से माइनस जीरो माइनस जीरो होती है वो चीज यू हैव टू से माइनस वन समझ आई बात की लास्ट वाले को आप माइनस वन कहेंगे फर्स्ट वाले को आप जीरो कहेंगे उधर से आपने इधर को आना से माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव दैट इज कॉल्ड नेगेटिव इंडेक्सिंग ठीक है अगर आप यहां से पीछे को जाएंगे दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव इंडेक्सिंग जीरो वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है समझ आ गई इंडेक्सिंग की यही है जी सारा मामला इंडेक्सिंग का अगर आपको ये पॉइंट समझ आ गया जिंदगी में पाइथन में धोखा नहीं खाएंगे वरना अक्सर अकात मैंने लोगों को ये असाइनमेंट्स करते देखा जब मैं इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग की बात करता हूँ कि आपने पहली पाँच रोज निकाल ली हैं वो वन टू फाइव लिख के निकाल रहे होते हैं दिस शुड बी जीरो टू फोर समझ आई बात की एंड दैट्स द थिंग वी हैव टू थिंक वेन वी वॉन्ट टू डू सम अब हम बात करते हैं अगर आपके पास तीन कॉलम्स का डेटा है तीन कॉलम्स का आपके पास कितने इंडेक्स हैं कोई बता सकता है तीन कॉलम्स का डेटा है तीन कॉलम्स हैं है आपके पास डेटा के इंडेक्स इंडेक्स कितने? है? 0, 1, 2. ही है, लेकिन 0, 1, 2 है। कॉलम दो नहीं कहने आपने, कि इंडेक्स दो रेंज फ्रॉम जीरो अब हम इंडेक्सिंग को और भी अच्छे से पढ़ते हैं आपको मैं समझा पाया हूं क्योंकि मुश्किल हो जाता है इंडेक्सिंग को पढ़ाना अक्सर का जिन लोगों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नहीं पता होता या बिल्कुल भी जीरो से सीख होते हैं ठीक है अब हम आगे बात करते हैं अब समझ आ गई जीरो की ठीक है जीरो से स्टार्ट करता है पाइथन हमेशा स्टार्ट फ्रॉम जीरो यू हैव टू स्टार्ट पाइथन यूज इज जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग मीनिंग दैट द फर्स्ट एलिमेंट इन सीक्वेंस इज एट इंडेक्स जीरो ठीक है द सेकेंड एलिमेंट इज एट इंडेक्स वन एंड सो ऑन लेकिन नेगेटिव में ये उल्ट हो जाता है अब यही चीज जो है टाइप्स ऑफ सीक्वेंसिंग जो इसमें सपोर्ट करती है ऑफकोर्स ऑर्डर्ड आइटम है तो स्ट्रिंग ए सीक्वेंस ऑफ करेक्टर है लिस्ट ए सीक्वेंस ऑफ आइटम्स एंड ट्रिपल ए सीक्वेंस ऑफ इम्यूटेबल आइटम है मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूं यू हैव टू टेल मी द इंडसिस अब इंडेक्स की जमा क्या है इंडेक्सिस नहीं है इंड है ठीक है किताब की जमा किताबें नहीं है क्या है चले देखिएगा ऐसे भी मैं कुछ चीजें जानबूझ के बीच में छोड़ देता हूं कुतब भी मैं कह सकता हूं बट आई नो सो मुझे बताइएगा यहां पे नंबर टू का इंडेक्स क्या है इंडेक्स वन है चले एक और प्रैक्टिस करते हैं इन छह वर्ड्स इन छह सीक्वेंस ये जो लिस्ट है मेरे पास एक दो तीन चार पांच छः लास्ट वाली का कौन कौन सा इंडेक्स है पॉजिटिव एंड नेगेटिव में दोनों नेगेटिव no. में माइनस वन है पॉजिटिव में फाइव है ठीक है दोनों सेम ही है ना अब मुझे एक और बात बताएं, ये जो फोर नंबर है इसका नेगेटिव इंडेक्स क्या है ओ, फड़े थ्री. Yeah, अब जो थ्री है, इसका पॉजिटिव इंडेक्स क्या है टू समझ आ गई बात की जो मैं करना चाह रहा हूं ये ना कहना रात को सोने से पहले सारा कुछ ही गड़बड़ हो गया गिनती पुटी सीधी होगी साड़ी ऐसा कुछ भी नहीं है सो यू जस्ट नीड टू बी केयरफुल वेन आर डूइंग पाइथन राइट जी आगे चले हमारे पास ये सारी की सारी आइटम्स आ गई हैं बहुत आसान है किस तरीके से आपने इन लेके आने या इंडेक्सिंग कैसे करनी है बड़ी गौर से देखिएगा सीक्वेंस ऑफ करेक्टर हमारे पास मौजूद है टेक्स्ट का नाम है पाइथन ठीक है अब आप देखें अगर मैं प्रिंट करूँगा टेक्स्ट के अंदर से सिर्फ जीरो तो मुझे स्केयर ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ेगा ठीक है इंडेक्सिंग के लिए या इंडेक्स फंक्शन को यूज करने के लिए यू जस्ट नीड टू राइट स्क्ट जस्ट नेक्स्ट टू दैट वेरिएबल ठीक है ब्रैकेट लगाएंगे Zero लिखेंगे तो पहला आ जाएगा थ्री लिखेंगे तो आपको पता है ना एक दो तीन चार पांच छह टोटल है जीरो वन टू थ्री एच आएगा ठीक है और इसी तरीके से माइनस वन करेंगे तो इस तरीके से आपके पास नेगेटिव इंडेक्स स्टार्ट हो जाएगा ठीक है समझ आ गई यही बात हम करके हटें अब मैं आपको एक लफ्स देता हूं और वो लफ्स है पाइथन का चिल्ला पाइथन का चिल्ला ठीक है ये लफ्ज है पूरा टेक्स्ट आपने अपनी आंखों से कोई आपने कोडिंग नहीं करनी मुझे बताना है ये जो का का ए है ये किन इंडेक्स इंडेसिस के ऊपर मौजूद है पॉजिटिव भी नेगेटिव भी का का ए बड़ा सोच के देखिएगा चले एक हिंट दूं आपको स्पेस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ करेक्टर अब समझ आ रहा है कि आपको कोई जल्दी ना आंसर दिया करें सोचें जरा ये देखें ये है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट एट इंडेक्स पे ये माइनस में कहाँ पे है माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस सेवन माइनस एट एट एंड माइनस एट समझ आई दिस वॉज द राइट आंसर और बहुत आसान है बिलीव मी आपको एक दफा समझ आ गई देन इट वुड बी नाइस थिंग ठीक है जी आगे चले ओके okay. यहां पे हमारे पास है टाइप्स ऑफ सीक्वेंस ऑफ कोर्स हमारे पास लिस्ट है ए सीक्वेंस ऑफ आइटम्स दैट कैन बी ऑफ एनी टाइप अब मुझे बताएं यहां पे गौर करें हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स हैं कितने इंडेक्स पोजीशंस यहां पे मौजूद हैं चार क्यों क्योंकि स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली एक आइटम कंसिडर हो रही है समझ आई वन टू थ्री फोर चार आइटम है जीरो वन टू थ्री हमारे पास इंडेक्स पोजिशन है ठीक है एंड दिस इज हाउ यू कैन यूज अगेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडेक्स सिस्टम हियर ठीक है आगे चलें जी अब हमारे पास है कोई भी कोऑर्डिनेट फॉर एग्जांपल टुपल मैंने यहां पे लिया है अगेन वही चीज टेन ट्वेंटी थर्टी वही चीज है जो हमने पहले किया सिर्फ ब्रैकेट का चेंज है दैट्स इट ठीक है और अक्सर कहा टुपल को टपल बोलते हैं जो अक्सर हमारे आ, मतलब हमसाय मुल्क इंडिया से जो लोग पढ़ा रहे होते हैं वो ज़्यादातर टपल ही बोलते हैं सिर्फ टुपल भी बोल देते हैं और जरा स्ट्रॉग एक्सेंट में काफी लोग जो हैं अगर आप यूरोपियंस को देखें या राशियंस को देखें एंड दे ऑल्सो प्रोवाइड कैन से ठप्पल जो भी बोल लें आपको पता होना चाहिए क्या है ठीक है जी नेगेटिव इंडेक्सिंग की समझ आ गई आपको अब यहां पे मुझे बताएं कितने इंडेक्स हैं अगर मैं यहां पे कहूँ माइनस फाइव पे कौन सा है यहां पे कोई बता सकता है माइनस फाइव पे कौन सा इंडेक्स है समझदार हो गए सारे अच्छी बात है एक्टिव है क्लास ठीक है माइनस फाइव पे कोई भी नहीं है माइनस फोर पे क्या है कैट राइट ओके जी दैट्स ग्रेट आगे चलते हैं ये है जी मैट्रिक्स अभी एक क्वेश्चन आ रहा था मैट्रिक्स भी तो एक डेटा स्ट्रक्चर है बिल्कुल है उसी की बात हमने करनी है मैं छोड़ने वाला नहीं हूं मैट्रिक्स को बिकॉज मैट्रिक्स आर माई फेवरेट टॉपिक खास तौर पे लीनियर लीनियरजबरा अगर किसी ने पढ़ी हुई है मेरे से दिनों कि मैथमेटिक्स के अंदर ये बहुत अलग का टॉपिक अलग किस्म का टॉपिक है और ये कंप्यूटर विजन के अंदर जो बंदा जाना चाहता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड अब यहाँ पर यह है नेस्टेड स्ट्रक्चर यानी कि आपके पास रोज भी हैं कॉलम्स भी हैं अब आपके पास डबल इंडेक्स सिस्टम यहाँ पर चलेगा ठीक है मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स एक है इनकी जमा क्या है मैट्रिसेस मैट्रिक्सेस नहीं मैट्रिसेस ठीक है और मैट्रिसेस या मैट्रिक्स जो है ये इनको उर्दू में क्या बोलते हैं कालब ठीक है तो गालिब नहीं कालब अक्सर लोग इसे मिर्जा गालिब भी कह देते हैं बट ऑन अदर साइड जस्ट जोक अमंग मैथमेटिशियंस क्योंकि ये इतना डीपली शायरी में चले जाते हैं ना कभी कभी आप नहीं समझ सकते ये मेट्रिस क्या बोल रहे हैं सो समाइम्स इन कंप्यूटर विजन वी कॉल दैम मिर्जा गालिब एज वेल ऑन अ प्रयोरिटी लेवल ये कोई इसमें हद तक नहीं है बिकॉज दे आर सो कम्पलेक्स जैसे मिर्जा गालिब की शायरी होती है सो so, इस वजह से ओके अब मुझे कोई बता सकता है चलो जस्ट एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं ये कोर्स का हिस्सा नहीं है ये कौन सी टाइप ऑफ मैट्रिक्स है यहाँ पे मैट्रिक्स है जो मैथेमेटिशियंस यहाँ पे बैठे हैं जो मुझे बार बार मैसेज करते हैं मैं मैथमेटिक्स से हूं तो मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली exactly. डायगनल में क्या आ रहा है वन आ रहा है तो अगर वन हो तो इसको क्या बोलते हैं आइडेंटिटी ठीक है अच्छा आर मैनी अदर टाइप्स मैं इसके बारे में बात नहीं करने वाला दिस वॉज आउट ऑफ कोर्स अब आगे चलते हैं ऑफ कोर्स आगे चलते हैं यहाँ पे ये एक मैट्रिक्स मैंने एक बनाया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन बड़ा सिंपल सा मैट्रिक्स है ठीक है अब अगर मैं आपको कहूं कि इसमें इसकी शेप क्या है क्यों मुझे बता सकते हैं इसकी शेप क्या है इस मैट्रिक्स की थ्री बाय थ्री की है ठीक है थ्री आपके पास जीरो इंडेक्स पे है एंड थ्री आपके पास वन इंडेक्स पे है अगर आपको याद हो मैंने आपको अरेज बढ़ाई थी जहां पे मैं बार बार कह रहा था अरे समझेगा ना नहीं याद तो मैं आपको एक दफा दिखा देता हूं आपको अंदाजा हो जाएगा समथिंग लाइक दिस ऐसे ही है हमने ये देखी थी जिन्होंने लेक्चर स्किप किया है उनको मेरा सल्यूट है भाई तो नहीं पढ़ना कुछ और सोच लो जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको पता है सो जीरो इंडेक्स का मतलब है ऊपर से नीचे आना लेफ्ट टू राइट जाना वन इंडेक्स या एक्सेस ठीक है अब इसको हम बोलते हैं रोज जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होती है वो रोज होती हैं जो इस तरीके से होती है उन्हें कॉलम्स कहा जाता है मैं डेटा की डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा मैं इट्स सेल्फ रोज और कॉलम्स की डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ ठीक है कीप इन माइंड दैट अब हम आगे चलें जी समझ आ गई ये है ये है टू बाई थ्री का अब जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था मैट्रिक्स के अंदर वो है थ्री बाई थ्री का मैट्रिक्स ठीक है यहां पे अगर मैं आपसे पोजीशन पूछूं कि मुझे थ्री कॉमा टू पोजिशन पे कौन सा हमारे पास वैल्यू है मुझे बता सकते हैं थ्री कॉमा टू पे चले इसको आसान कर दे तो जो लोग परेशान हो गए यहां पे आते हैं ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है और पे 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 क्या क्या है 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 जी हमारे पास ये यानी पहला इंडेक्स टू पे क्या है? 0, 1, 2. तो हमने दोनों साइडों पे जीरो, जीरो से ही स्टार्ट करना है पॉजिटिव इंडेक्स याद है ना पॉजिटिव इंडेक्स थ्री तो है ही कुछ नहीं है हमारे पास यहां पे जो मैंने आपसे इंडेक्स पूछा था दैट वाज नथिंग जिन लोगों ने जीरो का है उनको मेरी तरफ से अंडा सो आई एम जस्ट केडिंग सिंपली उसकी वैल्यू कोई नहीं थी सो वन टू थ्री वन फोर सेवन फिर टू फाइव एट फिर थ्री सिक्स नाइन सो इस तरीके से जीरो वन टू हमारे पास इस तरह इंडेक्स पोजिशन है जीरो वन टू इस तरीके से है बट दिस इज थ्री बाय थ्री का मैट्रिक्स इंडेक्सिंग की बात आएगी तो जीरो से स्टार्ट करना है बट ओरिजिनली थ्री बाय थ्री का ही रहेगा वहां पे आपने नहीं कहना टू बाय टू का क्यों क्योंकि जीरो से स्टार्ट होता है नहीं यू विल से थ्री बाय थ्री का मैट्रिक्स है बट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो वन टू आसान है कोई मुश्किल तो नहीं है जिनको बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं मैं बहुत आसान करके पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स वाले इंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि उन्होंने सारा कुछ आंदा है सो यू कैन सी ठीक है अब मुझे यहां पर कोई बताए कि टू और टू का कौन सा पॉइंट आ रहा है यहां पर क्या वैल्यू होगी टू बाई टू की या टू एंड टू की सो so, मैं ऊपर से गिनता हूँ जीरो वन टू ये वाला आ गया लाइन हमारे पास ठीक है अब मैं जाता हूँ जीरो वन टू ये वाला पॉइंट सो इट्स नाइन ठीक है जर्मन में नाइन कहते हैं नो को सो नाइन ठीक है समझ आ गई जनाब किस तरीके से आपके पास इंडेक्स सिस्टम चलता है मैट्रिक्स में अब इंडेक्सिंग की एरर्स भी होती है एंड ये एरर्स अक्सर औकात बड़ा मसला खराब करती हैं क्युं? क्यों क्योंकि आप तो अपनी तरफ से सही लिख रहे होते हैं सारा कोडार आप कहते हैं ये एरर नहीं जा रही मैं आपको पहले बता देता हूँ प्रिवेंशन इज बेटर ना वो क्या एरर है अगर आप यहां पे इंडेक्स वो लिखेंगे जो मौजूद नहीं है दिस विल रेज एन इंडेक्स एरर समथिंग लाइक दिस आउट ऑफ रेंज सो वहीं पे आपकी वो जो है ना दिमाग की बत्ती गुल नहीं हो चल जाए बल्कि और वो उस बता दे कि यार इंडेक्स खराब कर रहे हो ठीक है और ये अक्सर का तब होता है जब आप स्लाइसिंग कर रहे होते हैं बड़े डेटा की जब आपके पास कॉलम्स एंड रोज डिफाइंड होते हैं दस कॉलम का डेटा आप कहते हैं दसवां कॉलम निकाल दो सो एक्चुअली यू हैव टू राइट नाइन लेकिन आप दसवां लिख रहे होते हैं सो दैट्स वाई दिस इंडेक्स एरर्स कम ओवर देयर यहां तक समझ आ गई जनाब आपको ओके दैट्स गुड अब आगे चलते हैं थोड़ा सा और भी आपको बताता हूं ये तो होगी एक एरर अब यहां पे आप उसे कहेंगे ना कि यार ये दस आ, ये यहां से तीसरा इंडेक्स ले गया हो पाइथन आगे से कहेगा मैं गांव से ले आओ भाई समझ रहे हैं बात को एरर जब भी पायथन देता है यू विल थिंक ऑफ दिस गाय कि पे इसने बताया था कि मैं गांव से ले आऊँ है ही नहीं है ठीक है अब यहाँ पे अगर आप एप्पल बनाना और चेरी के बजाय आपकी मम्मा आपको लिस्ट बना के देती हैं दस चीज़ों की कि आपने बाज़ार जाना है समोसे पकोड़े रायता चटनी सलाद का सामान ये सारी चीज़ें लेके आनी है ठीक है तो आपकी लिस्ट के अंदर जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी आपको पोजिशन वाइज याद है लेकिन आपको जाते जाते आपकी मम्मा कह देती हैं कि वहाँ से बिरयानी मसाला भी पकड़ लाना वो लिस्ट में आई डी नहीं है तो आपको भूलने के भी चांसेस ज़्यादा हैं ठीक है ऐसा ही होता है ना अक्सर का फिर चीज भूल जाती जो लिखी ना हो। तो आप यही समझें कि जब इंडेक्स पोजीश में कोई चीज नहीं है पाइथन कहता मैं कहां से ले आऊ मुझे कौन सा लिखवाया था सो दैट काइंड ऑफ थिंग कीप इन माइंड कि इंडेक्स सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है देन यू आर रिट्रीविंग द डेटा स्टोरिंग नहीं रिट्रीविंग और ख़ास तौर पे मशीन लर्निंग के अंदर ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उससे आगे ए के अंदर और भी है मैट्रिक्स की मैंने बात की ये कंप्यूटर विजन सारी इसकी बेस पे चलती है पिग्जल्स की बेस पे आपके मैट्रिक्स बनते हैं डॉट प्रोडक्ट इधर उधर की प्रोडक्ट मैं अभी एडवांस लेवल की चीजें नहीं पढ़ा रहा जस्ट गिविंग यू अ काइंड ऑफ हिंट कि इन चीजों को इग्नोर ना कीजिएगा वरना आप बहुत पीछे पड़ जाएंगे इंडेक्सिंग की समझ आ गई जनाब आपको अब यहाँ समरीज की बता देते हैं इंडेक्सिंग का बेसिक है पोजिशनिंग सिस्टम ठीक है जीरो बेस इंडेक्सिंग होती है पाइथन में यानी कि जीरो से स्टार्ट होती है पोजिशन इंडेक्सिंग काउंट फ्रॉम द स्टार्ट लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट आप काउंट करते हैं पॉजिटिव में

जब पाइथन थो ना आप क्योंकि मैं कहाँ से लाऊँ ठीक है जी दिस वॉज ऑल अबाउट इंडेक्सिंग एंड आई एम होपफुल कि आपको अब आप समझ आ गई अब छोटी सी एक एग्जाम्पल करते हैं ठीक है और उस एग्जाम्पल में देखेंगे कि हमारे पास किस तरीके से जो इंडेक्सिंग है वो काम करती है और हम कोडिंग के थ्रू उस इंडेक्सिंग को देखने वाले हैं स्क्रीन आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ एंड आई एम होपफुल कि आपको स्क्रीन नजर आ रही है मैं यहाँ पे एक नई फाइल बनाता हूँ राइट क्लिक करके इसका नाम रखता हूँ जीरो फाइव इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग के अंदर ऑफ कोर्स अब आप देख रहे होंगे कि मैं यहाँ पे वेरिएबल्स के अंदर सब कुछ बना रहा हूँ ठीक है क्योंकि वेरिएबल्स की इंडेक्सिंग हो रही है बेसिकली ठीक है सो ये ना परेशानी कीजिएगा क्या गलती है जी मेरी यहाँ पे कोई बता सकता है मैं जानबूझ के करता हूँ ताकि आप ना करें हाँ जी ऑफ कोर्स दैट वॉज एन एक्सटेंशन एर आई पी वाई एन पी राइट ओके कर्नल साहब आप मैंने पहले सेलेक्ट कर लेने ताकि बाद में मसला ना करें कर्नल साहब ठीक है अब यहां पे मैं नेम लिखता हूं अब आपको बेसिक इंडेक्सिंग से पढ़ाता हूँ नेम है जनाब कोडेनिक्स ये हमारे पास एक नेम मैंने लिख दिया ठीक है और मैंने सिंपली स्ट्रिंग लिखी है नथिंग मोर देन दैट सिंपल स्ट्रिंग अब मैं यहां पे एलई एन का फंक्शन लगाता हूं और इसके अंदर मैं नेम लिख देता हूं कि नेम की मुझे लेंथ बताओ इट्स गिविंग मी एट क्यों C O D A N I C S आठ कैरेक्टर्स हैं टू टू फोर टू सिक्स टू एट लेकिन आठ के बेस पे मुझे यहीं पे पता चल गया कि आठ से मैंने माइनस एक करके काउंट करनी है समझ रही बात की इस वजह से लेंथ फंक्शन इंपॉर्टेंट है सिर्फ आपको हेड्स अप देने के लिए कि आपके पास टोटल आठ हैं आपने माइनस सेवन लास्ट वाला सॉरी सेवन लास्ट वाला है अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ नेम के अंदर मैं जीरो इंडेक्स वाले को प्रिंट करता हूँ दैट वुड बी सी अगर मैं माइनस वन लिखता हूं तो क्या होगा एस ठीक है और अगर मैं यहां पे कॉलन माइनस टू लिखता हूं सी क्या आता है जी मेरे पास? खाली। ये क्यों आ रहा है? अगर मैं वन टू टू लिखता हूं लेट्स सी यहां पे मेरे पास आ रहा है ओ ये क्यों आ रहा है कॉलन का मतलब होता है मैं आपको समझाता हूं यह था जीरो इंडेक्स पहले वाला दूसरा वन है तीसरा आपके पास क्या है टू वन so, से टू तक वन से टू तक बट नॉट टू लफ्जों को समझिएगा। वन टे वन से टू तक मैं आपको फिर समझाता हूं यहां पे मैं लिखता हूं सेवन वन कॉलम सेवन अब ये बड़ी गौर से समझने वाली चीज है मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूं ताकि आपको समझा सकूं एक से लेके सात करेक्टर तक नॉट द सेवंथ मैं कह रहा हूं एक से सात तक जहां से तक वाला स्टार्ट हो जाएगा उससे पहले पहले मुड़ो, ठीक है अब एक क्या है ओ डी एन आई सी एस लास्ट है क्या आएगा जी इसका आंसर कोई बता सकता है समझ आई बात की कुछ क्लियर हुई बात अगर मैं जीरो से स्टार्ट करूं तो जीरो इंक्लूड है बट सेवेंथ इंक्लूड नहीं है नाउ इट विल बी डेनिक ऐसा नहीं आ रहा क्यों क्योंकि मैंने सारी स्ट्रिंग्स की रेंज लिख दी है लास्ट वाला नहीं आएगा अगर मैं लास्ट वाले को खाली छोड़ के एंटर करूं नाउ इट्स गिविंग मी एवरीथिंग समझ आई बात की दिस इज प्रिंटिंग एवरीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो अगर मैं यहां पे लिखूं टू दिस विल प्रिंट एवरीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंड सॉरी थर्ड ठीक है समझ आ गई दिस इज कॉल्ड रेंज ये बेसिकली कॉलन के साथ चलती है अब शायद आपको पिछली असाइनमेंट भी क्लियर हो जाए बट यू विल हैव हैव टू टू यू वर्क ऑन दैट सारी गेम वाकई जीरो की है और जिसने जीरो दरियाफ्त किया था उसका नाम भी आपने नेक्स्ट क्लास में पूछ के आना है गूगल से हु फाउंड इट जीरो ठीक है शाहरुख खान का नाम आना लिख दो वो फिल्म का नाम था कुछ लोग हैं ऐसे जो वे I mean, यहां तक क्लियर होगी जी इंडेक्सिंग आप एक पॉइंट की बेस पे भी कर सकते हैं आप रेंज की बेस पे भी कर सकते हैं अगर मैं यहां से कहूं माइनस वन से माइनस फाइव तक मैं इसको रन कर रहा हूं यह खाली दे रहा है मुझे मेरी गलती है तो बताएं क्या है मैं रेंज उल्टी नहीं लिख रहा माइनस वन से पीछे को नहीं आ रहा सो रेंज यूजुअली दूसरी डायरेक्शन में होनी चाहिए सो इफ आई राइट हेयर माइनस फाइव टू माइनस वन लेथ सी क्या होता है समझ आए बात की दिस इज द राइट वे इसको मैं ऐसे समझाता हूँ कि जब आप एक लाइन पे देख रहे हैं ना अब यहां पर मुझे पॉइंटर अपना ऑन करना पड़ेगा लेथ सी इफ आई कैन डू दैट एंड वन नोट को ऑन करते वन नोट यहाँ पर आपको मैं समझाता हूँ इट विल बी ईजियर इन शाह ओके जी नाउ पे है जाते हैं माउस से मैं ड्रॉ करूंगा सॉरी फॉर दैट लेकिन आपको समझ आ जाएगी ये है हमारा जीरो पॉइंट ये है जी पॉजिटिव इंडेक्स ये है नेगेटिव ठीक है ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है ये है जीरो ठीक है सॉरी जीरो भी बड़ा गंदा सा पड़ गया बट इट्स फाइन आई गैस जीरो है माइनस वन यह है माइनस टू यह है माइनस थ्री यह है वन टू थ्री वन टू थ्री माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री अब आपको मैं बताऊं रेंज हमेशा राइट right डायरेक्शन की तरफ मूव करती है ठीक है मुझे अगर यहां से इतनी रेंज लेनी है तो आई हैव टू राइट इन दिस डायरेक्शन अगर मुझे इतनी रेंज लेनी है आई हैव टू अगेन राइट इन दिस डायरेक्शन सो मुझे अगर माइनस वन से माइनस थ्री की रेंज चाहिए आई हैव टू राइट माइनस थ्री टू माइनस वन वो समझ आ गई होगी अब इससे ज़्यादा मैं आसानी पैदा नहीं कर सकता बिलीव मी इस कॉन्सेप्ट को लाने के लिए अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है कि शायद आपको समझ आ रहा है दिस इज़ हाउ इट वर्कस टू राइट डायरेक्शन सिंपली और लोहरिया रास्ता पूछ लो ना मेरे अपने कज़न ऐसे करते हैं सो अगर लाहरिया है न तो सॉरी फॉर दैट और रास्ता पूछ लो नो अगो सज्जे हो जो तो फे सजे हो जो तो फे सजे हो जो सो वही समझें कि उन्होंने राइट डायरेक्शन में भेज दिया ना कि सीधे जाए जाओ बाय द वे लाहौर के बारे में ये बात मशहूर है कि उनसे रास्ता पूछ लो कहीं का कहीं बंदा पहुंच जाता है गलत बताते हैं वो बताते हैं जरूर है यही नहीं कहते मुझे नहीं पता बड़े तमल के साथ कोई चीज़ खा रहे होंगे वो फिनिश करेंगे फिर कहेंगे तुम्हें भाए ना कि सीधे चली जाना तो उदू सजे हाथ हो जाए तो आइएगा अगे एक दुकान आएगी खोखा जहा उस तो अगे चले जाना भोंडे तो हो ना यू नो माड़ा मेन सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन सो यहाँ से आपको याद रहेगा कि सज्जे जान दो राइट जान दो राइट सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली रेंज द इंडेक्स अब ये मैं बात करूं सिर्फ सिंगल डायरेक्शन या वन डायमेंशनल वाले की आप लिस्ट में भी सेम काम कर सकते हैं मैं यहां पे लिस्ट बनाता हूं इज इक्वल टू ये मैंने लिस्ट बनाई है आपको पता है इसकी लेंथ क्या है ऑफ कोर्स आपको पता होगा क्योंकि एक से दस तक बनाई है सो so मैं यहां पे लेंथ का फंक्शन लगाता हूं लिस्ट लिखता हूं एंड हेयर यू हैव टेन एलिमेंट्स अब मैं आपसे पूछता हूं ये पांचवें नंबर का इंडेक्स क्या है मैंने पांच को रिट्रीव करना है सो आई विल राइट हेयर लिस्ट ब्रैकेट ऑन एंड